जंगीज फिजिक्स के वनडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखे थे। आज हम उसी की गहराइयों में डूबते हुए आगे चलते हैं। यहां पर दो रेजिस्टेंस गिवन है और वो एक बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बहुत सारी चीजें। हमें निकालना है इसका इनडेप्थ एनालिसिस करनी की भाई कितनी करंट फ्लो होगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वो सब कुछ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, आपको सब चीज बिल्कुल अच्छे से आएगी और धीरे 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 लेवल बढ़ा के अपन वहां पहुंच जाएंगे जहां अपने को पहुंचना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी दोस्तों? 10 वोल्ट की बैटरी। अच्छा, अब ये बताओ ये दोनों सीरीज में पैरेलल में? ये दोनों सीरीज में है। अगर मतलब मैं इन दोनों को शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो क्या मैं 2+3 5 ओम और इधर बैटरी 10 वोल्ट की लगा सकता हूँ? बोलो दोस्तों। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे V=I लगाऊं, V=I×R, तो क्या करंट आएगी मेरी 2 एम्पियर? करंट कितनी आएगी दोस्तों? 2 एम्पियर आ गई। इसका मतलब कि यहां से जो करंट फ्लो होने वाली है वो 2 एम्पियर फ्लो होने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे पता है अगर सीरीज में होते हैं तो करंट सेम फ्लो होती है। अब मुझे निकालना पोटेंशियल डिफरेंस कहां से? वो बोल रहे हैं कि इन दो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। यहां पर पॉइंट पी और क्यू और आर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक चीज तो मुझे क्लियर है क्या दोस्तों? कि करंट जो फ्लो होगी वो कितनी होगी? 2 एम्पियर, ठीक है। अब अगर करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है यहां से तो ये हायर पोटेंशियल पे हुआ और ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ। मैं मान लेता हूं इसका पोटेंशियल वी है रैंडम, या एक्स वाई जेड आपकी जो मर्जी है मान लो। चलो एक्स मान लो दोस्तों, वी पे कंफ्यूज ना होना, एक्स मान लो, एक्स मान लिया मैंने, ठीक। चलिए फिर ये कितना हो जाएगा? अब नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस एक पॉइंट को किसी को जीरो मान सकते हैं, इजी करने के लिए बोल रहा हूं, इजी करने के लिए ये जीरो। तो ये कितना हो गया दोस्तों? +10 हायर पोटेंशियल, मतलब ये भी 10 और ये 0, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा 10। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 - x, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 - x = IR, तो ये कितना हो जाएगा? 2×2=4, कितना हो गया? 6 वोल्ट। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? एक काम करते हैं, ये तो मैंने क्या लगाया? V=IR लगाया, V=IR लगाया। अब मैं काम करता हूँ, लगाता हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो हमने आपको सिखाया था कि एक पॉइंट से जब मूव करते हैं आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में कितना आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं वीपी। फिर देखो करंट इधर जा रही है, मतलब हायर पोटेंशियल पे वाले लोअर पे हुआ करंट, और स्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो कितना हो गया? I×R, मतलब क्या? माइनस प्लस अगर माइनस, माइनस 2×2 इक्वल टू क्या मिल गया हमको? हमको मिल गया VQ। ये कितना है? या है, या है, या है, या है, अभी आ रहा है 6। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 6। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है ना, 6 - 0। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 है, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 है। इन दोनों के अक्रॉस है 6 वोल्ट का पोटेंशियल, इन दोनों के अक्रॉस है 4 वोल्ट का पोटेंशियल। कैसे? 4 कैसे दोस्तों? I×R, अरे डिफरेंस देखो ना, 10 - 6 4, इसके क्रॉस कितना है? 4, इसके क्रॉस कितना? 6, 6+4 10, और ये तो 10। जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा दोनों के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे वो, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा उतना ही होना है सीरीज में, ये समझ में आया आपको? अगर मान लो खुपच 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 बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा देता साइड में, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या दस करंट की वैल्यू चेंज हो जाती, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू चेंज हो जाती हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस EMF की बात नहीं कर रहा दोस्तों, EMF की बात हम बाद में करेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि EMF और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। लेकिन आप यहां समझो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना होता है उतना के उतना ही ड्रॉप हो जाता है सारे रेजिस्टेंस के ऊपर मिला के, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं पैरेलल पे। अब ये 6 है, ये 3 है, ये क्या है? ये 6 है, ये 3 है, तो यहां से कुछ करंट रही होगी I, यहां पे कुछ रही होगी I1, यहां पे कुछ रही होगी I2, करेक्ट। मुझे क्या निकालना? I1, I2, I और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक चीज मुझे पता है कि अगर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, अगर
बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, इसको अगर 0 मान लिया तो मेरी जिंदगी आसान हो गई। ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 0, ये हो गया 0, क्योंकि ये था 0। अब यहां पे जो मेरी करंट आने वाली है वो क्या आने वाली, पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू आईआर लगा दो। v क्या होता है, v पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, सो पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू आईआर ओम्स लॉ, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 4 इक्वल्स टू i1 डिवाइडेड बाय 3, v बाय r लगा दो, v पोटेंशियल डिफरेंस बाय r, ये i1 आ गया। चलो 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 अभी लगा दें v बाय r, ये हो गया i2। बोलो हां बोल दो, ये हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो टोटल करंट कितनी आई, टोटल करंट आ गई i1 प्लस i2। कैलकुलेशन बहुत टफ है दोस्तों, हो सकता है आपको पसंद निकल जाए। ये जाएगा 4/3 मतलब क्या, 2/3, 4/6 मतलब 2/3 प्लस 4/3, 6/3 मतलब 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर की करंट निकल रही है बैटरी में से। बैटरी से कितनी एम्पीयर करंट निकल रही है, 2 एम्पीयर। अब एक काम करते हैं, इसी को मैं इफेक्टिव तरीके से निकालता हूं। मुझे आर इफेक्टिव का फॉर्मूला पता है, पैरेलल में होता तो 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू 1/r, लेकिन मुझे फॉर्मूला अगर दो रेजिस्टेंस हो तो क्या मैं डायरेक्ट लगा दू r1 r2 r1 प्लस r2। अगर नहीं पता तो जल्दी से पुराना वीडियो देखो, पूरा जल्दी से रिवाइज करके आ जाओ फटाफट। तो यहां पर r इफेक्टिव में लिखता हूं, r इफेक्टिव ये जगह r1 r2 upon r1 plus r2 मतलब कितना आ गया, 2 ओम। कितना गया दोस्तों, 2 ओम। 2 ओम मतलब ये बैटरी इन दोनों को हटा दूं मैं तो 2 ओम लगा दूं इसे डायरेक्ट, 2 2 2 2 2 2, ये कितने कितने ओम की बैटरी, ये सॉरी वोल्ट की, 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट की बैटरी 2 ओम का रेजिस्टेंस, क्या v इक्वल टू आईआर लगा सकते हो, हां बिल्कुल। तो 4/2 कितना गया, 2। ये मेरा आंसर आ गया जो आना था। देखो जो आना था वो तो आता ही है, जो आना था वो तो आता ही है, मेथड कुछ भी लगाओ आंसर हमेशा सेम रहा है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको करंट कैसे डिवाइड हो रही है इस रेजिस्टेंस में उस पर फोकस कराना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फिजिक्स की फंडे स्पेशल, यहां पर आपको क्या मिलता है, इस चैनल में बने रहने का सबसे बड़ा रीजन। यहां पर मान लीजिए कि सर्किट है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है आई, क्या फ्लो हो रही आई। अब मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, अब क्या होगा, करंट बटेगी, करंट डिवाइड होगी। हमेशा याद रखना दोस्तों, करंट ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तो दोनों बराबर पार्ट में बढ़ जाते, i/2 i/2 दोनों चले जाते। अगर ये मान लो ये कम है और ये ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है और रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम करंट उधर से जाएगी, कम करंट इधर से जाएगी। जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा करंट वहां से पास होने की संभावना, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, यू नो दैट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो i1 r1 इज इक्वल टू i2 r2 लगेगा, v इक्वल टू आईआर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है तो यहां पर v होगा। तो देखो दो चीज का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आ रहा है, मतलब अगर एक चीज बढ़ गई तो दूसरी को अपने आप कम होना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, सिंपल, ठीक है। चलिए तो आपको एक चीज यहां कॉमन सेंस समझ में आ रही होगी कि i1 / i2 का रेशियो है। जैसे मान लो मैं ये करंट मान लेता हूं i1, ये करंट मान लेता हूं i2, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, है ना। इसका रेशियो जो लिखूंगा क्या रेशियो r2 / r1 आएगा, मतलब करंट रेजिस्टेंसेस के ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड रहती है, करंट रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड रहती है, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, उससे आपको जो आएगी फील उसमें मजा ही कुछ और है। इधर आओ, मान लीजिए कि ये मेरा 3 ओम है और ये मेरा 6 ओम है और यहां से करंट आ रही है 2 एम्पीयर। कितनी करंट आ रही है दोस्तों, 2 एम्पीयर। अब हमने क्या माना, हमने माना यहां से गई i1, यहां से गई i2, ठीक, कॉमन सेंस कि इसमें से करंट चल जाएगी, इसमें से मतलब i1 बड़ा आएगा i2 से, ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है। कॉमन सेंस क्या बोलता है दोस्तों, कॉमन सेंस बोलता है कि i1 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। आओ अब हम निकालेंगे कि आखिर कितना, ठीक। चलिए अब मुझे पता है कि i1 प्लस i2 अगर करता हूं, i1 प्लस
आई टू करता हूँ तो क्या वो आई के बराबर आएगा? आई वन प्लस आई टू कितना आएगा दोस्तों? आई के बराबर। ओके अब मैं निकालता हूँ आई वन बाय आई टू। आई वन बाय आई टू क्या होता है? आर टू बाय आर वन, मतलब क्या होगा? टू इज टू वन। कितना होगा दोस्तों? टू इज टू वन, मतलब आई वन की जगह मैं रख दू टू आई टू, आई टू प्लस टू आई टू, आई टू प्लस टू आई टू इक्वल टू आई, मतलब ये हो गया मेरा थ्री आई टू इक्वल टू आई। तो आई टू कितना हो गया मेरा? आई बाय थ्री। आई टू कितना होगा दोस्तों? आई बाय थ्री। आई बाय थ्री मतलब टू बाय थ्री। ओहो हो, अगर ये टू बाय थ्री है तो आई वन निकाल देते हैं। आई वन कितना होगा दोस्तों? फोर बाय थ्री, टू टाइम्स। और अभी अपन ने प्रॉब्लम किया, आंसर यही आया था, आप चेक कर लो थोड़ा कॉमन सेंस। और क्या बोलता है हमारा कि I1 बड़ा आना चाहिए था, I1 बट 4 बाय 3 आया, I2 छोटा आना चाहिए था, I2 छोटा आया, और दोनों का सम 2 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 6 बाय 3, 6 बाय 3 मतलब 2, 2 एम्पीयर आया जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों आपको इसको ट्रिक बना के याद कर लो, अगर है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन अगर आपको ट्रिक के फॉर्मेट में याद कर लो तो हो सकता है आपका समय बच जाए। क्या बच जाए दोस्तों? समय, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। आओ अगर मान लो दो की जगह कुछ और होता, ठीक है करते कैसे देखो, मान लो मैं समझाता हूँ आपको। ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर वन है, ये आर टू है, करंट गई आई, मान लीजिए करंट गई आई। अब होता क्या है, क्या होता है दोस्तों? हम हमेशा करंट को रेजिस्टेंस के इनवर्स में बांटते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, मान लेता हूं मैं ये एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तीन और छह लेते हैं, ठीक, ये करंट आई लेते हैं, है ना। अब जो इधर से गई आई वन, इधर से गई आई टू, जो आई वन इज टू आई टू का रेशियो होता है वो वन अपॉन आर वन इज टू वन अपॉन आर टू का रेशियो होता है। बोलो हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ ना भैया, यही तो होगा। वन अपॉन आर वन, आर टू बाय आर वन क्या होगी? इसको अलग क्यों लिख रहा हूं, उसका मीनिंग आगे समझ में आएगा। इधर हम क्या करते हैं, I1 by I2 को क्या लिखते हैं? 1 by 3 is to 1 by 6, 1 by 3 is to 1 by 6। अब यहां पर LCM ले लो, तो एक काम करो 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? तो ये हो गया 2 is to 1, I1 is to I2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 is to 1, I1 is to I2 2 is to 1। ओहो, अब अगर रेशियो 2 थर्ड में डिवाइड, 2 is to 1 में डिवाइड हो रहा है, मतलब ध्यान से देखना, 2 is to 1 मतलब टोटल पार्ट अगर 3 हुआ तो पहला पार्ट होगा 2 by 3, दूसरा पार्ट होगा 1 by 3, तो ये तभी होगा 2 is to 1। मतलब I1 की वैल्यू कैसे निकालते दोस्तों? 2 फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इनटू टोटल करंट, 2 by 3rd टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, और I2 की वैल्यू क्या होगी? 1 by 3rd ऑफ द टोटल करंट। ये ट्रिक आपको लगा के आंसर लेके आना है, कैसे? अब देखो दोस्तों, 2 by 3 और 1 by 3, 2 by 3 और 1 by 3, अब यहां देखोगे आप आई कितना 2, तो ये 4 by 3 होगी 2 by 3, आ गया आंसर। ऐसे आंसर आएंगे अगर आप करते जाओगे। और ये मेथड ना, एक रेजिस्टेंस हो, दो सब में लगेगी, कितने भी रेजिस्टेंस हो आप ये मेथड लगाते जाओ आंसर निकालते जाओ, ये मेथड लगाते जाओ आंसर निकालते जाओ। हम एक बार 3 रेजिस्टेंस लेके देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे मूल बात पे। यहां पर मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस है और तीनों क्या है? पैरेलल में। तो आपको एक चीज तो समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी? एक चीज समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी? एक चीज समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी? कि अगर करंट आई वन गई है, आई गई है, तो यहां पर बटेगी आई वन, यहां पर बटेगी आई टू, यहां पर बटेगी आई थ्री, और जो करंट का रेशियो होगा आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री वो होगा 1/R1 = 1/R2 = 1/R3। अब आप एलसीएम ले लेना, इधर आंसर आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको न्यूमेरिकल समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये अगर करंट मान लेता हूं आई वन, यहां मानो आई टू, यहां मानो आई थ्री, तो I1 is 2, I2 is 2, I3 जो होगा वो होगा 1 upon 6 is 2, 1 upon 4 is 2, 1 upon 3। अब LCM कैसे निकालेंगे? 4, 12, 24। एक काम करो, 24 से मल्टीप्लाई करो, है ना? 24 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, 12 से करो, 12 से ज्यादा बढ़िया, LCM 12 हो जाएगा ना।
तो कितना हुआ ये 12 2 3 4 बोलो हाँ 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 तो जो I1 is to I2 is to I3 आ गया मेरा वो आया I1 बोलो I1 अभी टोटल करंट कितनी मान लो चारों दिन सात तो दो नौ ठीक है अगर टोटल करंट नौ होती टोटल करंट अगर नौ होती तो क्या ये 2/9 होता फर्स्ट फ्रैक्शन तो मैं बात करूं 2/9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल करंट 2/9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल करंट I2 बोलो I2 आ जाएगा 3/9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल करंट 3/9 टाइम्स ऑफ द देखो मैथमेटिक्स से गणित गणित प्योर गणित प्योर मैथमेटिक्स ये I3 कितना आ जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ द टोटल करंट बोलो हां अरे बोलना ही पड़ेगा आपको यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन चलो टोटल करंट कितनी आ रही 9 आ रही है 9 ही आ रही है नो कैंसिल 2 3 4 इतना एंपियर करंट आ गया इतना एंपियर करंट आ गया अब थोड़ा अपन लॉजिक लगाते हैं कि टोटल करंट का सम 2 + 3 = 5 + 5 = 9 वाह 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 जितनी करंट आई उतनी बढ़ गई दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या देखना है ये I1 है तो करंट 6 ओम सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उसमें सबसे ज्यादा कम करंट सबसे कम रेजिस्टेंस 3 ओम है तो उसमें सबसे ज्यादा करंट समझना दोस्तों लॉजिक जब भी आपको पैरेलल में गिवन हो डायरेक्ट खट 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 और आंसर निकालना इजी देखो अगर आप चाहो तो किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हो आप यहां से शुरुआत करना पोटेंशियल V = V - IR लगाते एक लूप लॉ इधर लगाना I1 I2 I3 करंट मारना एक लूप लॉ इधर लगाना एक बड़े में लगाना तीन इक्वेशन लगाना तीन वेरिएबल्स I1 I2 I3 सॉल्व हो जाएंगे करेक्ट और आप चाहो तो I = I1 + I2 + I3 जो भी इक्वेशन लगा सकते हो तो कोई भी तीन इक्वेशन को म्यूचुअली सॉल्व करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पर क्यों ठीक है तो आइए दोस्तों सीरीज और पैरेलल के कुछ आसान प्रॉब्लम्स देखते हैं यहां पर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में तीन रेजिस्टेंस गिवन है ठीक है अब मुझे निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ध्यान से दोस्तों कि अगर करंट आई हुई तो क्या तीनों में करंट आई होगी मतलब ये टाइम है सीरीज में अगर ये सीरीज में है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूं आर इफेक्टिव इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अगर मैं डायरेक्ट तीनों का ऐड करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 है ठीक है चलिए अब ये क्या पैरेलल में दो 6 और 12 अगर पैरेलल में हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम R1 R2 / R1 + R2 लगाए और नहीं तो अपन 1/R1 + 1/R2 भी कर सकते हैं 1/12 + 1/6 तो मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है कितना कॉमन निकाल लो 1/6 कॉमन निकाल लो तो कितना 1/2 3/2 हो जाएगा तो ये क्या 1/4 1/4 = 1 r कितना आ गया 4 और जो फॉर्मूला है अपना क्या लगाते हैं R1 R2 / R1 + R2 तो 6 × 3 ये आ गया मेरा 4 तो आप कुछ भी कर लो आंसर आने के आना से चलिए अब देखते हैं ये क्या है ये दोनों सीरीज में ठीक है आपको ए और बी के बीच में निकालना जो पॉइंट बी है ए और बी के बीच में निकालना अब ये वायर है जो ए वायर है अगर यहां से हमें कहीं भी लगा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है सिमिलरली ये वायर यहां से यहां तक अगर कहीं भी लगा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब अगर वो यहां भी लगा देते और पूछते कि इन दोनों के बीच में बताओ तब भी आंसर वही आता अब ये दो ही ये दो है तो ये दोनों टाइम आ गए सीरीज में एक काम करता है क्या करता है 4 ओम जोड़ना हटा के ये हो गया 4 अब ये 4 4 4 4 टाइम आ गया दोस्तों पैरेलल तो इन सबको 1/4 1/4 1/4 1/4 करना है कितनी बार 4 बार इक्वल टू 1/r तो 1/r जितना आ गया भाई तो यहां पर हमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट की इच्छा द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट की इच्छा देखो होता क्या है मैंने आपको बताया था कि करंट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ वो जैसे ही उसको छोटा रेजिस्टेंस का पाथ दिखता है निकल जाती है करेक्ट अब ध्यान देखो ये मैंने माना है आइडियल वायर आइडियल मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है दोस्तों 0 इसको शंट भी बोलते हैं ठीक है
इसका रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। मान लो खत्म ही है रेजिस्टेंस ही नहीं कुछ, ठीक है, आइडियल वायर है, बिल्कुल आइडियल वायर है। तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं, अगर कहीं पे आइडियल वायर जोड़ दो तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? मान लीजिए कि ये तीन बल्ब है, सारे बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है। अगर मैंने एक वायर ऐसा लगा दिया ना तो ये बल्ब कभी ग्लो ही नहीं करेगा, ये बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा। इसका रीजन है, क्यों? ध्यान से मान लो करंट गई आई, करंट कितनी गई आई, यहां से पास हुई आई। अब इसको दो पार्ट मिले, इधर जाऊं या इधर जाऊं, करंट को दो रास्ते मिले, इधर चला मैं उधर चला, तो वो उधर चल जाएगा। क्यों उधर चल जाएगा? करंट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ। अगर किसी पाथ का रेजिस्टेंस जीरो है तो सारी की सारी करंट भाग पड़ती है एक मिनट में उधर से, मतलब करंट पलक झपकते हाथी गायब हो जाएगा और यहां जाएगी। इस बेचारे को कोई करंट ही नहीं मिलेगी, तो ये तो फालतू ही पड़ा है, ये फालतू ही पड़ा है, मतलब फिर यहां आ गई करंट। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको यहां से जाना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट जहां से हो गया है वहां से ऐसे कर दो, जहां भी शॉर्ट सर्किट हो जाए ना उस रेजिस्टेंस को काट दो। अब ये कितना होगा? ये दोनों का है सीरीज में, आंसर 4 डायरेक्ट। समझ आया? जहां भी शॉर्ट सर्किट हो जाए उस एलिमेंट को उठा के निकाल दो सर्किट से बाहर, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। ठीक, चलिए ये देखते हैं। इसमें सीरीज पावर मतलब दोनों कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिया है, बाकी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ये एक, ये एक, ठीक है। देखो हमेशा है ना कोशिश करा करो सबसे पहले सीरीज पैरेलल फाइंड करने की। अगर आपको सीरीज सीरीज फाइंड कर रहे हैं या पैरेलल पैरेलल मिल रहे हैं तो उन लोगों को क्लब कर दिया। क्लब करके आप क्या करोगे? सर्किट को छोटा बना दोगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी मेथड्स और बताऊंगा कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये वो सब। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि सबसे पहले जो हमें देखना है, सबसे पहले हमारी आंखों को जो ढूंढना है वो है खूबसूरती रेजिस्टेंस की। इधर उधर मत जाओ, खूबसूरती रेजिस्टेंस की देखना है सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। जैसे ही सीरीज पैरेलल देखते हैं उनको छोटा करते जाते हैं। ये एक और एक का है ना दोस्तों, ये क्या? देखो ऐसे सॉल्व करूंगा तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन अपन सीधा पकड़ के चलते एकदम स्टेप बाय स्टेप। चलो ये एक, ये एक, ये दोनों का है सीरीज। अब मैं हटा दूं इन दोनों को, इन दोनों को ऐसे लिख दूं दोस्तों, दो बोलो हाँ, एक और एक को हटा के मैंने क्या लिख दिया? दो लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब फिर समझ में नहीं आ रहा क्या चीज चल रही, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि अगर इसका पोटेंशियल मैं एक्स मानूं, इसका पोटेंशियल वाई मानूं, तो इस वायर का पोटेंशियल भी वाई होगा, इसका भी वाई होगा, सॉरी इसका एक्स है तो इसका भी एक्स होगा, और इसका वाई है तो इसका भी वाई होगा। ये चीज क्लियर? अच्छा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब ये दोनों गायब है पैरेलल में। तो काम करो, इनको हटाओ, इनको हटा के क्या लगेंगे अपन? वन टू टू का पैरेलल करना दोस्तों, टू वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन आगे ना, तो वन बाय आर इक्वल टू वन, तो आर इक्वल टू वन, ठीक। चलिए अब देखा ना ये दोनों गायब है, तीन और एक चार, मतलब इन दोनों को हटा के क्या मैं डायरेक्ट फोर लिख दू? बोलो बोलो बोलो। तो चार और चार अब कहीं में आ गए, अब ये दोनों आ गए पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में आ गए तो चार और चार का पैरेलल कितना होगा? दो। कैसे? फोर इंटू फोर अपॉन फोर प्लस फोर, या तो ये फॉर्मूला लगा लो या ये फॉर्मूला लगा लो, तो कितना आ गया हमारा टू। और जब भी है ना इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो हाफ हो जाता है। जैसे मान लो आर आर है तो आर बाय टू, अगर आर 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 है तो आर बाय थ्री, अगर आर 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 है तो आर बाय फोर। कैलकुलेशन में कोई कोई वो नहीं है, जादू मैजिक नहीं कुछ। अब ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया? दो। आर इक्वल टू टू ओम। क्लियर? तो आइए दोस्तों कुछ देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स जो दिखने में टफ और करने में बेहद आसान होंगे। ये एक सिस्टम है, हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना दोस्तों? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, बाकी सब हमारा प्यार है, ठीक है। चलिए अब मुझे निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये तो ना तो मुझे सीरीज में दिख रहे हैं ना मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं, अब क्या करें? फंस गए हम तो। हम एक काम करते हैं, सीधा पकड़ के चलते हैं। हमको एक चीज याद है, हमको एक चीज याद है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो पैरेलल, और अगर करंट सेम हो तो सीरीज। क्लियर? चलिए मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल वी ए होगा, बोलो दोस्तों हाँ, ठीक है। अब वी ए पी भी ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट ए भी लिखूंगा, ठीक है, ताकि छोटा हो जाएगा, इजी हो जाएगा मुझे। तो इसका पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल बी, बोलो हाँ। अब यहां से यहां तक ये शंट है, ये वायर, ठीक है।
अगर ये वायर है तो क्या इसका पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं दोस्तों, इसका पोटेंशियल भी वी होगा, इसका पोटेंशियल भी वी होगा, इसका पोटेंशियल भी वी होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वायर है, कनेक्टिंग वायर। याद है कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये ए है, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अब देखो दोस्तों, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी, इसके अक्रॉस ए बी, इसके अक्रॉस ए बी, काय में आ गए? ये तीनों पैरेलल में है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आपको ड्रॉ करके मासूम बच्चों को मैं ऐसा बता देता हूँ कि ये ए है, ये बी है, फिर ये पलट के बी बना, ये ए बना, इसको यूं मान लिया ना, ये आर और फिर ये ए और बी है, तो ये ए और ये बी, मतलब इसका इफेक्टिव डायग्राम कुछ ऐसा बना। आर 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 का इफेक्टिव आंसर होगा आर बाय थ्री, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, थ्री बाय आर का उल्टा कर दो तो आर बाय थ्री। क्लियर? अब चलते हैं एक लेवल थोड़ा सा ऊपर। यहां पर हमें रेजिस्टेंस से आर आर आर, इससे हो गया हमें प्यार। तो ये आर माना है, ये भी आर माना है, ये भी आर माना है, ये भी आर माना है। अब यहां पे दिक्कत क्या है? ये लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन एक दिक्कत यहां पे आ गया। हमको हमारी बेसिक मेथड याद है, हमको हमारी बेसिक मेथड याद है कि हमको अगर इसका पॉइंट का पोटेंशियल ए मानो और इसका बी मानो, ठीक है, तो यहां से कनेक्टिंग वायर 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 वायर, ये भी होगा, ये भी दोस्तों भी होगा। बहुत बढ़िया। अब इस पोटेंशियल ये ए है तो ये तो ए होगा, लेकिन ये ए नहीं होगा क्योंकि यहां पे आ गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट कुछ सी हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा दोस्तों? इंटरमीडिएट पॉइंट एक सी। चलिए अब क्या करना है, अब आपको ए और बी यहां बनाना है, आपको ए स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है यहां पर और एंडिंग पॉइंट बनाना है बी। क्लियर? और जितने भी पॉइंट्स आए, जितने भी रैंडम पॉइंट्स आए जिनका आपको नहीं पता है, उनको बनाओ बीच में। जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, उन पॉइंट को एक्सट्रीम एंड पे लिख दो इधर उधर, और सारे पॉइंट जो इंटरमीडिएट आपने अज्यूम किए हैं जिनका पोटेंशियल आपको नहीं पता, उनको लिख दीजिए बीच में सी डी ई एफ करके, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं, हर रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमने सी पॉइंट बनाया बीच में, ठीक है। अब ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, यहां पोटेंशियल सी, यहां पोटेंशियल ए, ए और सी के बीच में, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस बना दिया मैंने ए और सी के बीच में। दोस्तों ध्यान से समझते चलना, जिंदगी बहुत बड़ी आसान हो जाएगी आपकी। ये देखो, ये ए और बी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये मैंने बनाया ए और बी के बीच में, ठीक है। अब ये देखो यहां पे, ये किसके बीच में? ये बी और सी के बीच में, ये बी और ये सी के बीच में, बी और सी के बीच में, मतलब ये बी और सी के बीच में। क्लियर? अब ये किसके बीच में? सी और बी के बीच में, मतलब सी और बी के बीच में। आया समझ में? अगर आपने ऐसे सॉल्व किया इन प्रॉब्लम्स को, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो आपसे ना बने, भरोसा। तो आपको करना क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना हो उनको रख दो एक्सट्रीम एंड्स पे, जिनका पोटेंशियल नहीं पता उनको मान लो सी डी ई एफ या 1 2 3 4 जो आपकी मर्जी हो, ठीक है, और उनको रख दो उनके बीच में। हर रेजिस्टेंस को उठाओ, पोटेंशियल डिफरेंस देखो कहां कहां है, और आप रेजिस्टेंस जोड़ दो। क्लियर? शाबाश। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की झड़िया लगाने की। यहां पर ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, बाकी सब बेकार है, ठीक है। अब आपको ए और बी के बीच में आई होप निकालना आ जाएगा। सबसे पहले आपकी निगाहें खूबसूरती पे होना चाहिए, तो खूबसूरती पे क्या दिख रहा है? ये और ये, बाकी तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ये और ये खूबसूरत है, इजी है। ये आर और आर टाइम आ गया पैरेलल में, इसका मतलब क्या इसको हटा के मैं आर बाय टू रख दूं यहां पे? बोलो दोस्तों। अब आर और आर बाय टू ये दोनों कायम है, सीरीज में, तो आर प्लस आर बाय टू क्या होगा? थ्री आर बाय टू। क्या इसको हटा के, इसको हटा के मैं क्या थ्री आर बाय टू रख दूं? बोलो दोस्तों। अब क्या करना है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में क्या पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो हमें वन अपॉन आर इफेक्टिव इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन थ्री आर बाय टू करना पड़ेगा। चलो एलसीएम ले लो, 1 बाय आर तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बाय 3, या क्या मेरा 3 आर बाय 5, रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो मेरा आंसर आ गया 3 आर बाय 5। जो प्रॉब्लम डिफिकल्ट दिख रही है, अगर आपने
पॉइंट कंसिडर कर लिए ए और बी, सारे इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर कर लिए 1, 2, 3, 4 डी एफ जो भी आपकी मर्जी हो, फिर जिंदगी आपकी आपके हाथ में। देखते हैं दोस्तों कुछ एंटीक्यूज जहां पे हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस और पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, किरचॉफ्स लॉ दोनों लगाने को सीखने मिलेगा। तो फर्स्ट एंटीक्यू लेते हैं, यहां पर एक बैटरी है 12 वोल्ट की और सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। मुझे नेट करंट निकालना है कि बैटरी में से करंट फ्लो कितना हो रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको डायग्राम को देखूं तो यहां पर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। यार जब भी कोई ऐसा वायर होता है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है तो उसमें से पूरी करंट पास हो जाती है। अब ध्यान से देखना, ये 3 और 4, ये क्या 7 है, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लो कुछ करंट यहां से आएगी तो यहां कितनी करंट जाएगी, 0। पूरी की पूरी करंट छोटे वायर में से निकल जाएगी, ये चीज समझ आ रही। इसका मतलब यहां पे ये जो भी बनाया मैंने ये सब वेस्ट है। ये सब क्या है दोस्तों, वेस्ट। यहां से कोई करंट फ्लो होना ही नहीं है, यहां से कोई करंट फ्लो होना ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर पोटेंशियल में मानू एक्स, यहां मानू वाई, तो इसके अक्रॉस भी ये वायर उठा के यहां चिपका दू, क्योंकि ये तो सेम है, इसका वायर इसका वायर, मतलब ये दोनों का ना गया। अब अगर ये दोनों पैरेलल में, अगर ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये 4 और ये 4, 4 और 4 का पैरेलल 2, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, 2, 2 और 2, ये तीनों लाइन है सीरीज, तो मेरा आंसर आ गया 12/6 2 एम्पीयर, क्लियर। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और ऊपर लेवल का प्रॉब्लम। मान लीजिए कि वो मुझसे पूछ रहे हैं टोटल करंट और वो मुझसे पूछ रहे हैं करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस की, यहां से करंट जाने वाली करंट कितनी है, ठीक है। तो टोटल करंट निकालने के लिए फिर से मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस निकालेंगे दोस्तों, ध्यान देखो यहां पर कुछ 0 वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारी दृष्टि कहां होगी, खूबसूरती पे। मतलब सबसे पहले हम ढूंढेंगे पैरेलल या सीरीज, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, 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 ये दोनों लिखते हैं, ये दोनों भाई में दोस्तों सीरीज में, तो इन दोनों को हटा के मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है, करेक्ट। और जितनी, ध्यान सुनो, जितनी करंट 2 ओम वाले में से जाएगी क्या उतनी करंट इस 3 ओम वाले में से जाएगी, क्योंकि ये तो सीरीज में थे ऑलरेडी। मतलब मुझे जो आई की वैल्यू निकालना है, छोटे आई की वाला आई फाइव कंसिडर कर लेना, तो मुझे ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए पहले मैं ब्रेक करता हूं। अब ये 6 और ये 3, ये दोनों कहीं वाले पैरेलल, तो इसका मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऑलरेडी 4 है, और ये 6 और 3 का पैरेलल होगा 2, 6 into 3 upon 6 plus 3, तो ये 2 और ये कितना होगा 4, तो ये दोनों सीरीज में आ गया, ये कितना होगा दोस्तों 6 6। अब इन दोनों को हटा के मैं डायरेक्ट 6 लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। ये 4 ऑलरेडी चली रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 6। अब 6 और 3 वापस से कितना हो गया 2, मतलब ये डायग्राम ऐसा बन गया, ये 4 ये 2 ये 4, टोटल रेजिस्टेंस 4 plus 2 plus 4 10, बैटरी का पोटेंशियल 120, टोटल करंट 120/10, मतलब 12 एम्पीयर। बैटरी में से करंट निकलेगी 12 एम्पीयर करंट निकलेगी दोस्तों, कितने एम्पीयर 12 एम्पीयर, ओके। अगर करंट 12 एम्पीयर निकली, अगर करंट 12 एम्पीयर निकली, तो अब करंट के पास कितने रास्ते हैं दोस्तों, इधर से देखते हैं, ये 3 और 6 का कितना, 3 और 6 2, 2 और 4 6। अब अगर मैं इसको देखूं यहां से, ध्यान समझना, ये आई मान लो उसको कितना है, ये 12 एम्पीयर, कितना है 12 को डिवाइड होने के लिए 2 पाथ है मेरे पास, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया अभी के लिए, समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इन दोनों क्या करा है, कंबाइन करा, ठीक है। चलो तो इसमें से करंट मुझे पता है, करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो पे जाती है, मतलब 6 into, यहां से अगर मैं निकालू तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस into टोटल करंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, 6 और 3 9, 6 और 3 9,
ठीक है। सिमिलरली यहां से करंट निकालू मैं इधर 6 ओम 6 वाले से, आई थ्रू 6 ओम तो कितना होगा ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू करंट टोटल करंट, तो कितना हो गया 4 एंपियर। और ये कितना हो गया 3 3 3 2, ये अगर 4 8 8 एंपियर, ठीक है। मतलब 8 एंपियर इधर से जाएगी, ये गई 8 एंपियर, कितनी गई 8 एंपियर। अब इसे कहां जा रहे हैं दोस्तों, बची हुई जो करंट है, ध्यान से सुनना, बची हुई जो करंट है वो 4 एंपियर है। अब 4 एंपियर यहां बैठेगी इधर, ठीक है, क्योंकि मैंने इफेक्टिव निकाला था इन दोनों का। अब ये जो 4 एंपियर है ये दो पार्ट में बटेगी, इसमें और इसमें, 4 एंपियर दो पार्ट में बटेगी, इसमें बटेगी और इसमें बटेगी। कैसे बटेगी दोस्तों, वही रेशियो जो अपन ने यहां निकाला, यहां पे होगा ऑपोजिट रेजिस्टेंस का 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू 4, और यहां पे क्या होगा ऑपोजिट रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 4/3 और ये हो गया 3 3 कैंसिल, ये हो गया 8/3 प्लस 4/3 12/3 कितना आ गया 4। तो मेरा आंसर देखो, जितना 3 एम्पियर में से है उतना ही 2 एम्पियर में से भी, क्योंकि 2 और 1 सीरीज में थे दोस्तों। टफ लग रहा है, अगर टफ लगे तो एक बार रिवाइज करो फिर से और खुद से करने की कोशिश करो। मैंने क्या लॉजिक यूज किया है यहां पर, ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं कि जो रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है करंट, करंट किसे डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में। तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे यहां से करंट चाहिए, अगर मुझे यहां से करंट चाहिए तो टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरी आ जाएगी I1 करंट, ये पूरी करंट कितनी आएगी मेरी I1, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहां से I2 निकालना, ध्यान सुनना, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप R1 प्लस R2 करते हैं, मतलब I1 प्लस I2 करते हैं, I1 प्लस I2 करते हैं, तो देखो फिर से I आ जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक यूज किया है मैंने, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको सॉल्व लॉजिकली करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने LTQs की झड़ियां लगा रखी है और उसी के मद्देनजर हम चलते हैं एक और प्रॉब्लम पे। यहां पर हमें हर वायर का रेजिस्टेंस R मानना है, R R ये जो जितने पार्ट दिए हैं आपको सबका रेजिस्टेंस कितना मानना है R 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 R, ठीक। चलिए, we need to calculate the effective resistance between point A and B, right? Now what we'll do something, सबसे पहले हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, खूबसूरती, सबसे पहले खूबसूरती ढूंढते। तो यहां तो कुछ नहीं दिख रहा, बाहर देखो ये R और ये R, क्या यही हमारा प्यार, मतलब ये दोनों कायम है सीरीज में, अगर सीरीज में है तो इन दोनों को हटा के, ध्यान से देखना दोस्तों, हटाते जा रहा हूं आपको समझ आते जाएगा, क्या ऐसे में रेजिस्टेंस लगा दूं 2R का, बोलो। सिमिलरली इन दोनों को भी हटा के मैं क्या एक रेजिस्टेंस लगा दूं R और R सीरीज में थे 2R का, क्लियर। अब देखो ये 2R और R ये कायम आ गए पैरेलल में, तो 2R इनटू R अपॉन 2R प्लस R कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2R बाय 3, मतलब इसको हटा के अपन ने 2R बाय 3 लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं 2R बाय 3। सिमिलरली इसको भी लगा दो 2R बाय 3, क्योंकि सेम ही है, कैसे दोस्तों ये सेम ही है। चलिए अब ये दोनों कायम आ गए, ये दोनों आ गए सीरीज में, तो 2R बाय 3 प्लस 2R बाय 3 इन सबको हटा के क्या लिखते हैं 4R बाय 3, 4R बाय 3। अब देखो ये 4R बाय 3 और ये कायम है, 4R बाय 3 और ये पैरेलल में है, तो 4R बाय 3 अपॉन 4R बाय 3 प्लस आप कितना हो गया 4R बाय 3 अपॉन 7R बाय 3 इंटू आर, तो R बाय 3 R बाय 3 कैंसिल 4/7। क्या दोस्तों इनको हटाओ 4R/7 लगाओ 4R/7। अब ये दोनों कायम, ये
फिर सीरीज में, अरे प्योर कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, एक एक कड़ी हटाते जाओ और आंसर निकालते जाओ। 4r/7 + 7 सीरीज में हम जीरो, तो 4r/7 + 7 कितना हुआ 7 × 4 = 11, 11r/7 इनको डाल दो ये कितना हो गया दोस्तों 11r/7 बेसिकली वो जो ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिखा रहा था ना वही है। अब क्या करना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा 11r/7 प्लस, या तो ये फॉर्मूला लगा लो r1 हटो मतलब इसका काट दो, और नहीं तो रेसिप्रोकल कर लो 1/r 1/r इफेक्टिव और 7/11r। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 11 + 7 18/11r 18/11r का ये क्या फिर छोड़ना ही नहीं, तो ये जाएगा 11, मेरा आंसर कितना आया दोस्तों रेसिप्रोकल कर दो 11r/18 दिस इज द आंसर। नाउ ये ए है ये बी है, हमको ए और बी की फिगर निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, चलिए निकाल लेते हैं, कोई ज्यादा काम तो नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, मान लेता हूँ सी या वन या टू, मैंने बताया ना आपको जिस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता दिमाग से कुछ भी अज्यूम कर लो, ए बी सी 1 2 3 जो मर्जी आए वो करो फ्री। अब ये बी है और ये क्या है वन वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना होगा दोस्तों बी, इसका पोटेंशियल बी, इसका पोटेंशियल बी 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 बी, ये बी बी है ना। अब करना क्या होता है हमें, हमें एक पॉइंट लेना होता है ए, एक पॉइंट लेना होता है बी। अब ये वाला रेजिस्टेंस देखूंगा मैं तो ये, और बीच में कहीं बनाना होता है सी, है ना, बीच में कहीं बनाना होता है सी। चलो ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बना दिया, ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, तो ये बी और सी के बीच में बना दिया, ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में बना दिया, ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, अब मुझे ए और बी के बीच में निकालना है, आसान हो गया आपके, वो आर वो आर वो आर वो आर बाय थ्री, तो ये हो गया आर आर बाय थ्री फोर आर बाय थ्री, ये वाला आंसर कुपाच डायरेक्ट। तो आपको है ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होना चाहिए ऐसे, तब तो मजे नहीं, तो क्या मतलब। चलो ये देखते हैं ये क्या दे रखा भाई, अच्छा प्रॉब्लम लिखा है, तो यहां पर ने ए और बी के बीच में ऑप्शन इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं गिवन, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो फिर से मान लेता हूं इस बार मैं पिछले सी मानता हूं, इस बार एक्स मानता हूं एक्स, बिकॉज एक्स हर्ट्स, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ए और बी पॉइंट एक्सपेरिमेंट में बनाते हैं, ए यहां बी वहां, इन दोनों में इतने दूरियां होना चाहिए कि कभी हम मिल ना पाए, लेकिन चाहे कि मिल रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाला देखो, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, फिर ए और आर, ए सॉरी ए और एक्स, ए और एक्स, ए और एक्स, ए और एक्स, एक काम करो मैं एक्स पॉइंट बना लूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ए और आर के बीच में एक बना दिया, ए और आर के बीच में एक बना दिया, ठीक है, ये वाला हो गया काम, इसका काम करना। फिर क्या बनाना है, एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में, ये एक्स और बी के बीच में बना दिया, इसका भी काम करना। फिर क्या x और b के बीच में एक और बनाना, x और b के बीच में एक और बनाना, ये x और b के बीच में बना दिया, एक और इसको काम करना, ये वाला x के बीच में, a और x के बीच में, ये बनाना a और x के बीच में, ये आ गया, ठीक है। चलो अब फिर क्या, हम नजर ढूंढे की हमारी खूबसूरती, तो ये है r r, इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, r by 2, r by 2, अब ये r by 2 और ये r क्या सीरीज में, बताइए कितना हो गया 3r by 2, 3R by, अब ये दोनों लाइन में पैरेलल में कैलकुलेशन है करते जाओ, तो 3R by 2 into R upon 3R by 2 plus R, R1 R2 upon R1 plus R2, तो कितना गया 3 × 2 = 5, ये हो गया 3R by 5, R by 2 R by 2 कैंसिल हो जाएगा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।